हेलो दोस्तों, मैं यश। तो भाई जरा मैं मार्वल फैन से बात करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों ने शी-हल्क का पूरा सीरीज देख लिया? अगर नहीं देखा तो आपके लिए ये वाली वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो आपको ये वाली वीडियो नहीं देखनी चाहिए। और अगर आपने देख लिया है तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या शी-हल्क की सीरीज अच्छी थी या बुरी। और तो और हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसके लास्ट एपिसोड में हमें किस किस चीज़ों के रेफरेंस दिखाए गए हैं। तो कुर्सी की पेटी बिना बांधे चलिए इस वीडियो में सीधा कूद जाते हैं। और तो और कूदने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। तो भाई शी-हल्क की सीरीज में कुछ ऐसा सीन था कि पहला और दूसरा एपिसोड तो बहुत ही अच्छा था, मगर तीसरे एपिसोड से सातवें एपिसोड तक ना ऐसा लग रहा था पूरी कहानी को खींच दिया गया है। ये तो टट्टी है एकदम लाइन से। और तो और भाई, अगर आपने इस सीरीज को बिना एक्सपेक्टेशन के देखा है तब तो आपको ये वाली सीरीज थोड़ा ठीक ठाक लगेगी, मगर अगर आपने ऐसा सोचा है कि भाई एकदम शी-हल्क की तबाही वाली फाइटिंग देखने मिलेगी इसमें, तब तो आपको भाई डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इसमें कोई मेन विलन है ही नहीं। भले ही राइटर्स ने अनाउंस कर दिया था टाइटेनिया को एज अ मेन विलन, मगर ब्रो सीरीज के अंदर तो वो मेन विलन है ही नहीं, क्योंकि वो खाली 4-5 बार ही हमें दिखती है स्क्रीन पर आकर, और इतनी भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। जितना हम लोग सोच रहे थे ना कि शी-हल्क का एक वर्दी अपोनेंट आना चाहिए, वो तो उसके सामने चुल्लू भर पानी है यार। और ये शी-हल्क बनती कैसे है वो भी थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बिल्डअप देके इसको शी-हल्क बनाया जाएगा, मगर सिर्फ एक एक्सीडेंट के बाद उसका गामा रेडिएशन खून उसके खून में मिलने के बाद वो बन गई शी-हल्क। मतलब कि मजाक है क्या यार? ऐसे तो भाई कोई भी ब्रूस को बेहोश करके उसका खून अपने अंदर ले लेगा और वो भी हल्क बन जाएगा। ओवरऑल मुझे ये वाली सीरीज ना बहुत ही ज्यादा खिंची हुई लगी, सच्ची बता रहा हूँ। माना कि 8th और 9th वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग लग रहा था, मगर मैं तो लिख के दे सकता हूँ आधे से ज्यादा लोगों ने 3rd एपिसोड और 4th एपिसोड देखने के बाद सीरीज को देखना ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा कोई कैसे खींच सकता है। पूरे 9th एपिसोड को अपन अभी ब्रीफली देखते हैं, ठीक है। वैसे ही शी-हल्क की लाइफ में बहुत सारे लफड़े चलते रहते हैं, मगर उसके बाद ये जो टॉड नाम का बंदा है ना, वो तो भाई और ही अलग लफड़े लेके आ रहा है इसकी जिंदगी में। मतलब कि एक इंटेलिजेंसिया नाम की कंपनी पूरी चला आ रहा है और हल्क किंग ये टॉड ही है। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली होगी तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और तो और इसमें हमें छोटी सी फाइट देखने मिली एबोमिनेशन और हल्क की, मगर मुझे बस एक बात समझ नहीं आई कि हल्क को इतना छोटा क्यों दिखाया गया है एबोमिनेशन के सामने। इनक्रेडिबल हल्क में तो वो उसके बराबर ही था क्या भाई? जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसका मतलब वो छोटा होते जा रहा है क्या? पूरे 9th एपिसोड में मुझे सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज एक ही लगी है कि शी-हल्क का एक्सट्रीमली फोर्थ वॉल ब्रेक करना। भाई वो लिटरली डिज्नी प्लस के होम स्क्रीन पर आकर रियल लाइफ में आ जाती है, और तो और वो अपने राइटर से ही बोलने लगती है कि ये मेरी सीरीज का इतना फालतू एंडिंग क्यों हो रही है। मतलब कि भाई इतना एक्सट्रीम लेवल पर तो फिलहाल डेडपूल को भी नहीं दिखाया गया है। भले ही कॉमिक्स की बात अलग है, कॉमिक्स में तो भाई डेडपूल अपने ही राइटर्स को मार चुका है, मगर भाई इसने जिस लेवल का फोर्थ वॉल ब्रेक किया है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डिज्नी स्टूडियोज में जाकर वो केविन को ढूंढने लगती है। अब केविन से तो हमारे दिमाग में खाली वही आते हैं ना, केविन फैगी। और तो और इसमें एक AI था जिसका नाम था K.E.V.I.N, मगर उसको भी एक टोपी पहना कर रखी हुई थी। और अगर आप मार्वल के एकदम ही कट्टर फैन हो तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये रेफरेंस भी केविन फैगी का ही दिया गया है, क्योंकि वो भी टोपी हमेशा पहनते ही है और उनकी मूवीज हमें टोपा पहनाती भी है। और हाल फिलहाल में वो एक्समैन के बारे में भी बोल देती है केविन से कि कब आने वाले हैं वो लोग। I cannot tell you that. और तो और वो फोर्थ वॉल ब्रेक करने के बाद वो लोग डिस्कशन भी करते हैं सीजन 2 का। What do we get if the entirety of the second season is one extended dream sequence? भाई क्या आपको शी-हल्क के सीजन 2 का वेट है क्या? मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं तो थोड़ा बहुत वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी आगे जाकर। और तो और वो अपने राइटर से जाकर ये भी बोलती है कि ये मेरी सीरीज है, ठीक है, तो मैं बताऊंगी इसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए, आप लोगों ने तो कुछ भी लिख दिया। अरे ये स्क्रिप्ट चेंज से याद आया, ये जो टॉड जब हल्क बनता है ना तब वो एकदम सलमान खान जैसा नहीं दिख रहा? ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है सलमान खान की कुछ ज्यादा ही बॉडी बन गई हो। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नहीं। और एक और सबसे खतरनाक चीज, हल्क का बेटा स्कार। और जब सीरीज के स्टार्टिंग में हल्क सकार पर गया था इसीलिए क्योंकि उसका बेटा वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। अब हमको सीरीज के अंदर तो ऐसा नहीं बताया गया कि इसका बेटा कैसे पैदा हो गया, भाई नताशा के साथ तो इसने धोखा कर दिया। और मैं आपको बता दूँ, इसका एक बेटा नहीं, इसके दो बेटे हैं।
अभी तो खाली एक ही इंट्रोड्यूस हुआ है, मेरे ख्याल से ये भी यंग एवेंजर्स में शामिल होगा। और जब यंग एवेंजर्स की पूरी टीम हमें दिखेगी ना, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। मैं तो भाई काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ यंग एवेंजर्स के एक साथ फॉर्म होने का। तो क्या आप भी एक्साइटेड हो यंग एवेंजर्स को एक साथ देखने में? कमेंट में बताइए। और तो और जब शी हल्क केविन से मिलने जाती है, तब केविन उसको बोलता है कि हम तो वर्ल्ड वॉर हल्क को फॉर्म करने वाले थे। मतलब पूरा नहीं बोलता है, मगर भाई जिसको दिमाग है वो समझ जाएगा कि वो किस चीज को फॉर्म करने की बात कर रहा था। और जैसा कि आप लोग को पता ही है, टॉड के पास एक वकांडा का वेपन भी है जो उसने एक बिड में खरीदा था। 8वें एपिसोड में थोड़ा इंटरेस्ट बनना पब्लिक का चालू हो गया था, क्योंकि इसमें डेयरडेविल आ गया था ना, और डेयरडेविल का एक्शन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ डेयरडेविल के बारे में। आपको तो पता ही है डेयरडेविल अंधा है, ठीक है, मगर उसको फिर भी अपने आसपास क्या हो रहा है पहले से ही पता चल जाता है। मतलब कि उसके पास भी एक प्रकार का सिक्स सेंस है, और स्पाइडरमैन के पास भी सिक्स सेंस है, मगर डेयरडेविल जो है ना, उसका सिक्स सेंस स्पाइडरमैन से ज्यादा है। सोचिए, क्योंकि कॉमिक्स में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब कोई भी टेलीपोर्ट कर रहा होता है तब भी डेयरडेविल को पता लग जाता है कि भाई कुछ तो होने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ही ऐसा हो जाता है। अब अपन ना इसके जरा पोस्ट क्रेडिट सीन की बात कर लेते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वोंग एबोमिनेशन को फिर से ले जा रहा है कहीं। अब मैं आपको बताता हूँ वोंग उसको कहाँ ले जा रहा है। वो उसको लेकर जा रहा है थंडर बोल्ट की टीम में, और इससे कन्फर्म होता है कि एबोमिनेशन भी थंडर बोल्ट में शामिल है। और अभी तक पब्लिक को कन्फर्म नहीं था कि थंडर बोल्ट में एबोमिनेशन होने वाला है कि नहीं, मगर ये पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद पब्लिक को कन्फर्म भी हो गया। तो भाई स्टार्ट टू एंड मुझे ऐसा लगा कि ये पूरी सीरीज अपने आप को सीरियसली ले ही नहीं रही है। और तो और सिर्फ मजाक मजाक मजाक, फनी फनी फनी। यार हद हो गई यार, इतना फनी नहीं चाहिए। पहले वाला मार्वल कितना ज्यादा अमेजिंग था, उसमें ना कुछ फनीनेस रहती थी और ना ही इतना डम कैरेक्टर्स को बनाते थे, मगर फिर भी वो वाली मूवी कितनी ज्यादा चलती थी। थॉर लव एंड थंडर के साथ भी इन लोग ने ऐसे ही किया, बस फनी फनी फनी, उसके चक्कर में पूरी मूवी स्पॉइल कर दी उन लोग ने। तो बस भाई अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यही था इस वीडियो का दी एंड, और यही था मिस्टर मूवी की तरफ से शी हल्क का ओवरऑल रिव्यू कि मुझे ये वाली सीरीज कैसी लगी और आप लोग को कैसी लगेगी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, बिना एक्सपेक्टेशन के अगर आप देखोगे ये वाली सीरीज को, तब तो थोड़ी ठीक ठाक लगेगी, बट अगर आपने अभी से ही फाइट सीन्स एकदम अच्छे अच्छे इमेजिन कर लिए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो बस यार अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मिलूंगा मैं सीधा आपसे अगली वीडियो में। मगर मेरे भाई मिलने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलना, और कमेंट में मुझे बताना ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा मैं सीधा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।